आज पूरा राष्ट्र हमारे अमर शहीद सागरमल गोपा की शहादत के दिवस पर उपस्थित होकर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सागरमल जी ने जो जैसलमेर में रहकर देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान दिया, जो शहादत दी, वो अपने आप में गौरवान्वित है। सागरमल जी के साथ जैसलमेर में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दी, जैसे जीतमल जी जगाणी, ताराचंद जी जगाणी, भंवरलाल जी मिश्र और सतदेव जी व्यास, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम आज उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्यों यह बल पटेल हो? अच्छा, ठीक है। उम्र 8 साल, 9 साल ली जी, जेलर तक कर नहीं दान जी, और सागर मस्जिद वहीं बैठ रहा था। उन्होंने टाइम पास करने वास्ते करनी दान जी ने कह रहा था कि थे कुछ मोदी टाइम पास, थोड़ा बच्चा जूलिया ने बच्चा बेचारा लिया, वो पढ़ाया करा, तो करनी दान जी ने दो तरह एक दो पड़ोसी ले जाए उसी बिठाना था, और टाइम पास करने वास्ते मौला इंस्ट्रक्शन देता, मैं वही फॉलो करता रहता। कुछ दिन चलियो, पचे एक दिन जाओ तो दोपहर जाओ, 2-3 बजे हाय बो लागोड़ी। मैं क्या हुआ कि हाय बो ठा पड़ी कि हाय बो हो रही है, यह चीज़ हो रही है। इतना तो जितना हमें 7-8 साल के बच्चों को जितने ज्ञान होती उतनी बात करी, कि पुलिस आई, कई दरबार लोग आया, कई आया कमान सी जी आया, SP था, और वो साथ में कुछ लोग और भी आया, कई तरह से किले से ब्राह्मण समाज करी, फिर मोदी जात में आके उसे काफ़ी पर्दे से निकीन हो, फिर दरबार ने झुकना पड़े थोड़ा हमारे प्रति। अब जो ज़्यादा बातों तो मुझे कि बताया कौन सा क्या उम्र थी जुटी तो है 8-10 साल की, पर मैं जो है और साथ में साथ वो सेवा में लेनी हो माँ तो देखा को नहीं। लालचंद जी जोशी स्वतंत्र सेनानी था, वो मान यार कौन बताओ था, वो सारी उम्र मार्फत से मात थोड़ी बहुत शिक्षा यार पति जो सरता हुई है वो लालचंद जी जोशी को मेरी श्रद्धांजलि। मैं इस अवसर पर सब लोगों ने सागरमल जी के बारे में बहुत कुछ कहा है, मैं निवेदन करने खड़ा हुआ हूँ। मेरा एक प्रस्ताव है, आप सब तो सत्ता में है या सत्ता में रहे हैं, जैसलमेर में किले पे जेल है और उस जेल में उनकी शहादत हुई, वो आज तक अपेक्षित है। मेरा प्रस्ताव है आप सब लोग यदि प्रयास करें तो वो शहीद स्मारक घोषित हो सकता है, बीच में उसको सरकार प्राइवेट स्कूल को किसी बनिए को देने के लिए प्रस्ताव आया था, किले वासियों ने उसका विरोध किया था। मैं आज फिर ये बात दोहराता हूँ कि सागरमल जी को आने वाले हिंदुस्तान के बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, कोई अंग्रेज आते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वो टूरिस्ट उस भवन में जा सकते हैं यदि उसको स्मारक घोषित किया जाए एवं उसमें सागरमल जी का और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो वहाँ रहे हैं और उनका चित्र और चरित्र प्रकाशित किया जाए, वहाँ साहित्य रखा जाए, तो मेरा कहना है कि हम सच्ची श्रद्धांजलि उनको दे पाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी उनके अभी कुछ लोग हैं लगभग जो बोल रहे हैं वो अब किनारे पे हैं और आने वाली पीढ़ी को ये मालूम नहीं होगा कि सागरमल जी ने क्या किया था। ऐसी स्थिति में वहाँ साहित्य रहे, वहाँ चित्र रहे, वहाँ स्मारक बने, यह पूज्य भाव जी कई बार मेरे से बात करी लेकिन ये प्रस्ताव कहीं हुआ नहीं। अब मैं फिर कह रहा हूँ अशोक जी इस भावना के हैं ऐसा लगता है, तो आप लोग यदि पहल करेंगे जिनका उनसे परिचय है तो ये बहुत छोटा काम है, ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा काम हो, लेकिन इसके लिए पहल करनी पड़ेगी और एक जब निश्चय करके पहल करेंगे तो बहुत छोटा काम है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यदि नहीं हो तो हम सब दस्तखत करके आपको ऐसा
प्रतिवेदन दे सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ाएं जिला। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।